दोस्तों वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में। भारत और अमेरिका का संबंध विभिन्न विडंबनाओं एवं परिस्थितियों से युक्त रहा है। चाहे तो हम 1990 के दौर के पहले का दशक में भारत और अमेरिका का संबंध के बारे में देखें या 1990 के दशक के बाद के संबंधों में देखें अमेरिका और भारत को। 1990 के दशक में हालांकि एलपीजी का दौर शुरू होने के बाद अमेरिका ने भारत को एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में और उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अमेरिका ने भारत को देखा, वहीं एक बहुत बड़ी बाजार के रूप में भारत को अमेरिका ने देखा, जिसके फलस्वरूप भारत और अमेरिका के संबंध में कुछ सुधार हुआ। किंतु 1998 में भारत सरकार द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद भारत और अमेरिका के संबंध फिर एक बार कड़वाहट आया और लगातार भारत और अमेरिका के जो संबंध में उतार और चढ़ाव देखने को हमें मिलता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में। संबंध को भी दो चरण में बांट कर देखें, एक शीत युद्ध कालीन और दूसरा शीत युद्ध पश्चात। और इसमें हम लोग वर्तमान मोदी सरकार या वर्तमान अमेरिका के सरकार ट्रंप सरकार दोनों के संबंधों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ट्रंप सरकार जो 2020 में ही भारत आए थे और क्या के यहाँ समझौता कर गए थे और दोनों के एक अटूट विश्वास लेकर गए थे, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए और आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कमेंट कीजिए ताकि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग आज चर्चा करते हैं भारत और अमेरिका का संबंध। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि भारत और अमेरिका किस चीज में विश्वास करते हैं। दोनों प्रजातांत्रिक राष्ट्र, मानवाधिकार और विधि के शासन में दोनों राष्ट्र विश्वास करते हैं। वहीं किस चीज को दोनों राष्ट्र नकारते हैं या कह सकते हैं किस चीज को भारत और अमेरिका नकारते हैं या विरोध करते हैं, नस्लवाद, रंगभेद, आतंकवाद, उपनिवेशवाद आदि का दोनों देश लगातार विरोध करते रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग भारत और अमेरिका के संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो शीत युद्ध कालीन के संपर्क में हम लोग देखेंगे। 1950 से 1960 के दशक में यूएस भारत के प्रति संवेदनशील और सहयोगी रहा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो यूएस ब्रिटेन पर भारत के समस्याओं के समाधान का भार डाला था, तो इससे कह सकते हैं कि 1950 और 60 के दशक में यूएस जो है भारत के प्रति संवेदनशील रहा। 1950 के दशक में खाद्य सुरक्षा, वित्तीय सहायता एवं अन्य सुरक्षात्मक जो उपाय से अमेरिका ने भारत को सहयोग किया, वहीं 1961 ईस्वी में भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन एक चलाया। ठीक है, 1962 ईस्वी में चीन के साथ युद्ध के समय यूएसए अप्रत्यक्ष रूप से भारत के साथ रहा। तो हम देखते हैं कि लगातार यूएसए ने भारत के साथ रहा। हालांकि 1970 के दशक में दोनों के मध्य फिर संबंध खराब हुए। ठीक है, भारत का झुकाव इस समय 1970 के दशक में संबंध खराब होने के कारण था कि भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ हो गया था। सोवियत संघ के तरफ भारत का झुकाव होने के कारण अमेरिका और भारत के संबंधों में फिर कड़वाहट हुआ। किंतु क्योंकि गुट निरपेक्षता का सिद्धांत पूंजीवादी एवं नव उपनिवेशवाद हितों से मेल नहीं खाता है, जो यूएसए की मूल नीति में नहीं थी, यूएसए की मूल नीति में नहीं रहने के कारण भारत और अमेरिका के संबंधों में फिर एक बार कड़वाहट आया। वहीं देखा गया 1965 एवं 1971 में पाक के साथ युद्ध हुआ, यानी पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ उसमें यूएसए पाकिस्तान को साथ दिया। ठीक है, इसी समय देखिएगा यूएसए पाकिस्तान को साथ दिया, जबकि 1974 ईस्वी में परमाणु परीक्षण इंडिया किया। इसी समय यूएसए जो था यूएसए वियतनाम युद्ध में उलझा हुआ था 1974 ईस्वी में। उसी समय पूरे यूएसए दंग रह गया कि कैसा उसका खुफिया एजेंसी है जो ये पता भी नहीं कर सका कि भारत में परमाणु परीक्षण होने वाला, भारत अपना परमाणु परीक्षण कर लिया।
जिसके कारण भारत और अमेरिका में काफी कड़वाहट भी देखा गया। ठीक है, कई एक प्रकार के अमेरिका द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस समय यहाँ की सरकार इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं, इसके तहत देख सकते हैं भारत और अमेरिका के जो संबंध उतार चढ़ाव, इसका जो परमाणु परीक्षण जो हुआ इसका नाम भी भारत स्माइलिंग बुद्धा रखा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं 1979 ईस्वी में रूस की सेना अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करती है, जिसमें रूस के पक्ष भारत लेता है। इसी समय यूएसए ने काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है। हालांकि यूएसए द्वारा पाकिस्तान को हथियार जो सप्लाई होता है, अमेरिका द्वारा कहा जाता है इसको सुरक्षा के लिए सप्लाई किया जा रहा है, किंतु भारत का कहना था कि पाकिस्तान इसी हथियार का इस्तेमाल भारत के विरुद्ध कर सकता है। इसलिए भारत और अमेरिका के संबंधों में करवाहट बना हुआ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शीत युद्ध के पश्चात, शीत युद्ध के पश्चात इसके संबंधों में क्या क्या उतार चढ़ाव आया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो शीत युद्ध सबसे पहले तो हम लोग सोवियत संघ के विघटन के बाद सभी देश एलपीजी यानी वैश्वीकरण उदारीकरण और निजीकरण से जुड़ गए। वैश्वीकरण उदारीकरण और निजीकरण से जुड़ गए। नव उदार एवं पूंजीवाद को भारत अपनाया, नव उदारवाद एवं पूंजीवाद को भारत अपनाया। फिर दोनों के संबंध में सुधार देखने को मिलता है, अमेरिका और भारत के संबंध में सुधार देखने को मिलता है। यूएसए को चूंकि सुधार इस संबंध में भी देखा जाता है कि यूएसए को चाइना से खतरा था और चाइना से काउंटर करने के लिए अमेरिका को मजबूरी है कि भारत के साथ वो संबंध को अपना सुधार करे, क्योंकि चाइना से काउंटर करने के लिए भारत के साथ उसको संबंध अच्छा बनाना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद 1998 इसमें परमाणु परीक्षण भारत करता, इस समय फिर संबंध दोनों में खराब हो जाता है। 2000 में क्लिंटन का भारत आगमन होता है, फिर क्लिंटन का भारत आगमन होता है, इसके समय संबंध में सुधार आता है। इसके बाद देखेंगे 2005 में प्रतिरक्षा सहयोग के लिए 10 वर्षीय सहयोग पर हस्ताक्षर होता है प्रतिरक्षा में, तथा मालाबार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके इससे देख सकते हैं दोनों देश सैन्य के मामले में भी नजदीक आए, दोनों के संबंधों में सुधार आया। 2006 में जॉर्ज बुश द्वितीय का भारत आगमन हुआ, इसके बाद देख सकते हैं कि लगातार संबंधों में फिर सुधार आना शुरू हो गया। इसके बाद 2008 में असैन्य परमाणु सहयोग होता है दोनों में, असैन्य परमाणु सहयोग समझौता दोनों देशों में होता है। फिर 2010 एवं 2015 में बराक ओबामा आते हैं भारत। 2014 में बराक ओबामा 26 जनवरी को यानी भारत का आगमन होता है और दोनों के संबंधों में काफी सुधार आता है। इसी समय मोदी के कार्यकाल में 4 वर्षों में मोदी यानी वर्तमान भारत सरकार के प्रधानमंत्री 5 बार अमेरिका जाते हैं, तो दोनों के संबंध को देखा जाता है कि 2010 और 2014 में भारत के अमेरिका 2 बार आए भारत में, वहीं मोदी 4 साल के कार्यकाल में 5 बार गए। दोनों के संबंधों में काफी सुधार इस समय देखने को मिलता है। वहीं 2016 में लिमोआ संधि होता है, लिमोआ संधि एक दूसरे के सैन्य सुविधाओं की पहुंच को नजदीक बनाने के लिए, एक दूसरे के जो सैन्य सुविधाएं था उसको पहुंच बनाने के लिए लिमोआ संधि किया जाता है 2016 में, 2016 के लिमोआ संधि। फिर 2018 में कुमकासा संधि किया जाता है, कुमकासा संधि दोनों देशों के सेना करीब इससे आते हैं, कुमकासा संधि से दोनों देश के सेना करीब आते हैं। इसी में देखिएगा कि C-130J अपाचे हेलीकॉप्टर, P-8I चिनूक हेलीकॉप्टर के भारत को देने की बात इसमें चलती है। फिर इसी समय हिजबुल मुजाहिदीन के जो नेता है सैयद सलाहुद्दीन को वैश्विक आतंकवादी भारत
घोषित यूएसए द्वारा करवाया जाता है, फिर आतंकवादी घटना होती है, तो दोनों साथ साथ काम करेंगे, यही कुंभकाशा संधि में ही ये जिक्र किया गया था। दो अगर आतंकवादी कोई भी घटना होती है तो दोनों देश मिलकर करके काम करेंगे, दोनों देश समुद्री विवाद या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार कोई शांतिपूर्ण जो समाधान पे ही जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया वर्तमान। इसके बाद देखते हैं 2018 में यूएसए भारत समाहित देशों से आयात 25% और एल्युमिनियम आयात पर 10% अतिरिक्त शुल्क लगा देता है, ठीक है। तो 2018 में फिर इसका संबंध में करवाहट आता है, क्योंकि यूएसए भारत सहित विभिन्न देशों से आयात पर 25% एक्स्ट्रा शुल्क लगाता है, वहीं अल्मुनियम आयात पर 10% अतिरिक्त शुल्क लगाता है। तो फिर से एक बार संबंध में फिर से करवाहट देखने को मिलता है। वहीं 2019 में जीएसपी के तहत भारत को मिलने वाला छूट भी अमेरिका के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। जीएसपी के छूट विकासशील देशों को विकसित देश के द्वारा जीएसपी में छूट दिया जाता है, वहीं अमेरिका जीएसपी के तहत मिलने वाला छूट को भारत को जो मिलता था छूट उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि एक बार फिर करवाहट पैदा होता है, किंतु 2020 में फरवरी 2020 में ट्रंप का भारत आगमन जब होता है, तो इस समय फिर दोनों के संबंधों में सुधार देखा जाता है। इसी समय 3 समझौता ट्रंप सरकार द्वारा भारत सरकार के साथ किया जाता है। पहला मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा और एनर्जी निर्यात पे समझौता किया जाता है, ठीक है। तो ये लगातार हम लोग देखते हैं कि दोनों के संबंधों में करवाहट और दोनों के संबंधों में अच्छा संबंध जारी रहता है। तो दोनों के संबंधों को हम लोग देख लिए कि भारत और अमेरिका का संबंध में उतार चढ़ाव कितना रहता है। तो इसी फिर देखेगा कि जब मोदी अमेरिका जाते हैं तो ह्यूस्टन में मोदी का जोरदार स्वागत होता है, उसी समय में हाउडी मोदी का कार्यक्रम वहां पे होता है। वहीं जब ट्रंप भारत आते हैं तो नमस्ते ट्रंप का यहाँ पे भी नाम से स्वागत किया जाता है, ठीक है। तो दोनों के रिश्तों में लगातार उतार चढ़ाव चला आ रहा है, यहाँ तक कि ट्रंप जब भारत आते हैं तो उन्होंने ताजमहल का भी दौरा किया था, यहाँ तक कि गांधी जी के समाधि स्थल राजघाट पे भी गए थे। दोनों में रक्षा आतंकवाद एवं तकनीक व्यापार पर अनेक तरह के समझौता भी हुए थे, और दोनों के जो रक्षा सहयोग है $3 अरब की करने की यहाँ पे बात भी चली थी और समझौता भी हुआ था, ठीक है। दोनों ड्रग तस्करी, नार्को आतंकवाद और संगठित अपराध पर सहमति बनी है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि फिर से एक बार दोनों के संबंध अच्छे बनने शुरू हो गए हैं। रोमियो और अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ ही उन्नत वायु रक्षा प्रणाली भी अमेरिका देने की बात भारत को की है। वहीं मजूर अजहर को संयुक्त राष्ट्र के थ्रू वैश्विक आतंकवादी घोषित करवाने में अमेरिका का एक सबसे बड़ा सहयोग रहा है। पाक वहीं पीओके में, यानी जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान है, उसमें चीन और पाकिस्तान एक आर्थिक कॉरिडोर बना रहे हैं, जो ओबोर परियोजना के नाम से वन बेल्ट वन रोड के नाम से जाना जाता है, पर उसमें भी वर्तमान ट्रंप सरकार ने भारत का साथ दिया है, जो वोर का लगातार भारत विरोध करते आया है। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका और भारत के सुधार में लगातार उतार चढ़ाव चलते आ रहा है। हालांकि वर्तमान में अमेरिका और जो भारत के संबंध है उसमें स्थिरता देखा गया है, यहाँ तक कि अभी वर्तमान में भी जब कोरोना वायरस के चपेट में पूरे विश्व आता है, तो इस समय भी एक बार मोदी और अमेरिका के सरकार में करवाहट देखी गई थी। अमेरिका ने धमकी भी दिया था कि अगर वह भारत द्वारा दवा नहीं भेजा जाता है तो उसके साथ कट्टर पूर्ण व्यवहार किया जाएगा, किंतु ऐसा नहीं देखा गया। दोनों के संबंध में लगातार सब अच्छा ये वर्तमान समय में देखा जा रहा है, ठीक है।
अब हम लोग वर्तमान में अमेरिका और भारत के संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो 2008 में असैन्य परमाणु सहयोग दोनों के बीच में होता है। असैन्य परमाणु सहयोग होने के कारण यहाँ पे देखते हैं 2008 में ही यूएसए के वेस्टिंग हाउस एक वेस्टिंग हाउस कंपनी द्वारा 1000 मेगावाट के 6 संयंत्र भारत में लगाने की सहमति बनी है। वहीं पेरिस समझौता 2005 के तहत यूएसए क्लीन एनर्जी स्रोत को विकसित करने के लिए भारत को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देगा। भारत द्वारा प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का समर्थन किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी संबंध बेहतर हैं। अब रक्षा के क्षेत्र में हम लोग देखेंगे यूएसए भारत को सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति देश है। ठीक है, वर्तमान में ट्रंप सरकार द्वारा जो 2020 में आए 3 अरब डॉलर का रक्षा समझौता यहाँ पे हुआ है। ठीक है, 3 अरब डॉलर का रक्षा संबंध वर्तमान अमेरिका सरकार और वर्तमान भारत सरकार द्वारा। ठीक है, यूएसए सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति देश है भारत को। 2005 में हुए प्रतिरक्षा समझौता को 2015 में 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो रक्षा समझौता में और आप देख रहे होंगे अपाचे हेलीकॉप्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर इत्यादि अमेरिका द्वारा दिए जाने की बात यहाँ पे है। वहीं व्यापार एवं आर्थिक क्षेत्र में देखते हैं तो व्यापार दोनों का व्यापार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष व्यापार पे जोर देता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष व्यापार पर जोर देता है। हालांकि भारत का व्यापार अधिक की स्थिति में है अमेरिका के साथ। निवेश रोजगार एवं कौशल विकास को दोनों देशों के द्वारा बढ़ावा देने पर सहमति है। वही 1990 में 50 बिलियन डॉलर का व्यापार जबकि 2017 में 75 बिलियन डॉलर का व्यापार बढ़कर के हो गया है। चीन के बाद यूएसए भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। चीन के बाद हम लोग एक बार समझते हैं 2018 और 2019-20 का कितना एक्सपोर्ट होता है जहां 54.4 बिलियन डॉलर वही इंपोर्ट होता है 35.4 बिलियन डॉलर। भारत अधिक की स्थिति में 16.9 बिलियन डॉलर। तो देख सकते हैं भारत के पक्ष में ही अमेरिका के साथ व्यापार है। वहीं 2019-20 में एक्सपोर्ट होता है 40.3 बिलियन डॉलर वहीं इंपोर्ट होता है 27.7 बिलियन डॉलर। वहीं भारत अधिक की स्थिति में 12.6 बिलियन डॉलर। व्यापार में भी हम लोग एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में भी देखेंगे तो 2018 में जहाँ एक्सपोर्ट ज्यादा था 2019-20 में एक्सपोर्ट कम हुआ है। इंपोर्ट था 35.4 और 2019-20 में 27.7। तो उतार चढ़ाव का दौर हम लोग देखते आ रहे हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी। आतंकवाद के क्षेत्र में हम देखते हैं 9/11 की जो घटना के बाद यूएसए आतंकवाद समाप्त करने पर सहमति जताता है। यूएसए आतंकवाद खत्म करने पर सहमति जताता है। वहीं आप देख रहे होंगे कि अभी जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा जो पाकिस्तान का जो मजदूर अजहर है उसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित करवाने में सबसे बड़ा हाथ रहा है। तो आतंकवाद के क्षेत्र में भी दोनों ने सहयोग ही दर्शाया है। वैश्विक मामलों में अगर हम लोग देखते हैं तो वैश्विक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के अमेरिका हर समय अब समर्थन करते आया है। ठीक है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी का समर्थन करते आया है। वहीं एमटीसीआर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का सदस्य यूएसए के सपोर्ट से बना है। दोनों एसडीजी 2020 पर मिलकर काम करेंगे। ठीक है, एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गुड्स पे। वहीं इंडो पैसिफिक क्षेत्र मुक्त जो समुद्री एवं परागमन नीति समझौता है दोनों ने समझौता किया है। वहीं अन्य क्षेत्र हम देखते हैं तो साइंस टेक स्वास्थ्य शिक्षा पर्यटन इत्यादि में दोनों द्वारा सहयोग की बात किया गया है। भारत यूएसए जो वैक्सीन है कार्यक्रम का विस्तार इसके अंतर्गत टीबी चिकनगुनिया डेंगू आदि के टीका विकास करने की दोनों बात किया गया है। वहीं जय त्रिपक्षीय वार्ता भी दोनों में चली है। ठीक है,
आप देखते होंगे अमेरिका और भारत में 2+2 वार्ता भी हुआ है। 2+2 वार्ता अमेरिका सिर्फ 3 ही कंट्री के साथ किया है, एक जापान, सेकेंड नॉर्थ कोरिया और थर्ड हो गया इंडिया। तो 2+2 वार्ता दो मतलब अमेरिका 3 ही राष्ट्र के साथ किया है, वो है जापान, नॉर्थ कोरिया और इंडिया। इसके ये संबंध दर्शाता है कि इंडिया को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार या अंतरराष्ट्रीय सहयोग देने पर अमेरिका सहमत है। वहीं क्वाड की सदस्य भी हैं, क्वाड भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया मिलकर के 4 क्वाड सदस्य बनाए थे। इसमें क्वाड का सदस्य भी है दोनों। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध में लगातार उतार चढ़ाव चलते आ रहे हैं। हालांकि लगातार उतार चढ़ाव चलते आने के बावजूद भी भारत और अमेरिका का संबंध अच्छा ही हम मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग देख लिए भारत और अमेरिका संबंध। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग कमेंट कीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।